अभी कल क्या होता है, हम लोग के साथ के गलती से फेसबुक पेज बना लेते हैं, ठीक है, फेसबुक को पेज बना लेते हैं, उसको डिलीट करना होता तो आप लोग को मालूम ही नहीं था किस तरह से डिलीट करना है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, फेसबुक पेज अगर गलती से बना लिए हैं तो उसको डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको डिलीट करने के लिए आपको मेरे वीडियो को पूरा देखना होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया कमेंट भी कर सकते हैं मेरे चैनल पे, जो आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट भी कर सकते हैं कि भाई मेरे को वीडियो पसंद नहीं आया या आया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा फेसबुक पेज कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फेसबुक पेज डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं तो सबसे पहले फेसबुक चालू कर लेंगे। यहाँ पे फेसबुक चालू करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चले जाए थ्री डॉट पे, थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे है एक आइकन मिलेगा जो कि यहाँ पे आपको पूरा खुल जाएगा फेसबुक पेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना फेसबुक पेज डिलीट करना चाहता हूँ, आप लोग सिखाना भी चाहता हूँ किस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पेज ले लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी पेज है वो पेज को ले लेना है, तो मैं ये वाला पेज डिलीट करना चाहता हूँ, ले लेंगे। लेने के बाद इसके बाद वो जो भी आपका पेज है वो इस तरह से चालू हो जाएगा। चालू करने के बाद फिर से इसी पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जो आपको आइकन लगा उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे नीचे आना है। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, देखिए हेल्प है सेटिंग का, ठीक है। तो आपको हेल्प है सेटिंग पर चले जाना, हेल्प है सेटिंग में जाने के बाद एक और ऑप्शन मिलेगा सेटिंग प्राइवेसी पे, ठीक है। तो सेटिंग प्राइवेसी पे जाना है, जाने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक ऑप्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला सपोर्ट इनबॉक्स, ठीक है। सपोर्ट इनबॉक्स में चले जाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस तरह से आपको इंटरफेस खुल जाएगा, फेस खुलने के बाद जो भी आपका पेज होगा, यहाँ पे देखिए मेरा पेज है ज्ञान की भंडार, इसको डिलीट करना है, इसमें सिंपल सा आपको टच करना है। टच करने के बाद आपको क्या करना होगा आगे बताता हूँ। यहाँ पर सबसे नीचे अगर जाइएगा, आपको नीचे जाइएगा तो आपको एक मिलेगा, यहाँ पर देखिए एक्सेस एंड कंट्रोल, आपको यहाँ पर मिलेगा एक्सेस एंड कंट्रोल। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक्सेस एंड कंट्रोल, देखिए यहाँ पे एक्सेस एंड कंट्रोल पर चले जाना है। एक्सेस एंड कंट्रोल पर जाने के बाद आपको सिंपल सा आपको काम करना है, यहाँ पर बोल रहा है डेडिकेशन एंड डिलेक्शन, टेम्पोरली डिटेक्शन तो परमानेंट डिलीट योर पेज, इस पर टच करना है। टच करने के बाद आपको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं या इसको हाइड करना चाहते हैं, डेडिकेटेड जिसे बोलता है, उसके बाद आपको सिंपल सा मैं परमानेंट डिलीट करना चाहता हूँ, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है, इस तरह से कंटिन्यू करें। कुछ आपको बिफोर इसके बारे में पूछा जा रहा है, आपको हेल्प के बारे में, तो आपको क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर बोला स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, ठीक है। दूसरा है आई हैव ए प्राइवेसी कंकरण, दूसरा तीसरा आई डू नॉट फील सेफ ऑन फेसबुक, और उसके बाद चौथा है माई अकाउंट आज है, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सेफ फील नहीं करता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चला जाना है कंटिन्यू पर, सबसे नीचे आइएगा तो कंटिन्यू पर चले जाना है। कंटिन्यू पर जाने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो अगर आपको यहाँ से देखिए सबसे पहले तीन ऑप्शन है, सेव योर द सेव पोस्ट योर द एडिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेव कर दें, डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ट्रांसफर योर इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका फेसबुक पेज में डाले होंगे उसको आप आसानी से निकाल भी सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू पर चले जाना। आप जो भी आपका पासवर्ड होगा यहाँ पर पासवर्ड चूज कर लीजिएगा, जो भी मेरा पासवर्ड है वो वाला चूज कर लेता हूँ यहाँ पे, इस तरह से पासवर्ड डाल दीजिएगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू सिर्फ करना है, कंटिन्यू करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा, देखिए यहाँ पर डिलीट ज्ञान के भंडार इज पेज इन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे करना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डिलीट दिस पेज, यहाँ पर पेज डिलीट किया जा रहा है, यहाँ पर बोला दिस फॉलो पेज यूर द डिलीट एंड यूर आदर स्विच टू अनुज कुमार, ठीक है। जो कि आपको अगर पेज डिलीट हो जाता है तो आपका जो पर्सनल आईडी है फेसबुक उसे स्विच कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिलीट पेज पर टच करना है, इस तरह से डिलीट पेज पर टच करना है। टच करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपका जो भी पेज डिलीट होने के बाद देखिए मेरा स्विच हो चुका है, फेसबुक जो पर्सनल मेरा आईडी उस पर स्विच कर दिया गया है। यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि मेरा पेज यहाँ पर नहीं होगा, इस पर टच करेंगे, यहाँ पर देखिए हट गया, यहाँ पर देखिए ज्ञान के भंडार हट गया, यहाँ पर देखिए फिर से आ गया, वो हट जाएगा अभी थोड़ा देर में। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए और फाइनली यहाँ पर से हट गया, आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए कोई भी नहीं है, यहाँ पर देखिए तीन था, तीन हो गया थे, पहला था क्रिएटर पॉइंट, दूसरा हो गया अनु जॉन टेज जो कि अभी मैं क्रिएट किया था वो वाला, यहाँ पर सिविल तीन सा है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए नेक्स्ट वीडियो में।